मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा है स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सबसे पहले सत्यवान भाई, हाय कैसे हो? नाम पता नहीं मैं सही ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। सत्यवान भाई ने कहा था मेरा नाम लेना वीडियो में, हाय भाई कैसे हो। और उसके बाद बता दूँ कि 219 नंबर शॉप और 221 पता नहीं 225 नंबर शॉप कवर करनी है। और कल हमने वीडियो ख़त्म की थी, बल्कि आपको वो सारा दिखा दिया था। कल हमने ये जो फ्लोर पेंटिंग हो रही थी वो कईयों की रहती थी और कईयों की फिनिश हो चुकी थी और कईयों के फाइनल टच रहते थे। तो अभी हम फ्लोर पेंटिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद शॉप नंबर हम जाएंगे 125, फिर जाएंगे हम 219 पे। तो चलो फिलहाल सत्यवान भाई एक बार फिर से हाय। और कई बोले मैं बीच में ना रहता, कईयों का मुझे कमेंट याद होंगे तो मैं कोई भूल गया होगा तो मुझे माफ़ कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज ब्रह्म शॉप पर गीता जयंती का मेला आएगा, 8वां दिन है, ठीक है। और डेट है कि आज 30 नवंबर 2019। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज भीड़ बहुत है, आज मैं उनकी कवर करने वाला हूँ अंदर अंदर। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो कि ये एक नंबर, मतलब कि जब आप एक नंबर गेट से एंट्री करोगे फ्लोर पेंटिंग सबसे पहले आपको ये वाली देखने को मिलेगी। एक चीज़ बता दूँ, गेट नंबर एक से जैसे आप एंट्री करोगे आपको सबसे फर्स्ट फ्लोर पेंटिंग है वो ये वाली मिलने वाली है। आज सारी पेंटिंग दिखाने वाला हूँ और लगभग कईयों की पूरी होगी और कईयों की पूरी होने वाली है। और आज ये हर हाल में पूरी करके ही जाएंगे जब एंड होगा। अभी आप देख लो, स्टार्टिंग में मैं ये दिखा रहा हूँ, जब वीडियो का एंड करेंगे तो लास्ट बार एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूंगा, ठीक है। ये आप ओवरऑल देख सकते हो कि ये तो ओवरऑल मुझे लगता है ख़त्म होगी, नहीं इसमें अभी काम चल रहा है, सब में लगभग काम चल रहा है, इसमें क्लियर हो गया है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये वाइड एंगल 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 जो चेक कर सकते हो, पूरी फ्लोर पेंटिंग कईयों की फिनिश हो गई है। ये कल आपने देखी होगी कि कल की वीडियो में ये कहाँ थी, आज देख सकते हो आज ये कवर हो चुकी है लगभग सारी कवर हो चुकी है, नहीं उसके लास्ट के दो पहाड़ रहते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, ये कवर हो रही है। ये हिरन के दो बनाए हुए हैं, उनके हिरन बनाए हुए हैं, दो पेड़ बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये अभी इनका काम फाइनल टच, लगभग सबका फाइनल ही टच चल रहे हैं, ठीक है। उसमें चिड़ियाँ भी बन रही हैं, अभी वो चल रहा है, ये भी आप देख सकते हो। ये मोर बनाया हुआ है, पर मोर ही बनाया हुआ है, और बीच में दो मोर हंसों का जोड़ा बनाया हुआ है, बीच में अभी ये काम चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिनिशिंग टच कर रहे हैं, और छोटे छोटे मोर बनाए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, आज हम यही फ्लोरिंग पेंटिंग कवर करेंगे, उसके बाद जो मैसेज आया वो कवर करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो शायद छोटी रहेगी, तो ये आप देख सकते हो ये पेंटिंग भी लगभग ख़त्म हो ही चुकी है। कि आज पूछता हूँ तो मैम, ये आज कवर कर जाओगे, सारी ख़त्म कर दोगे कल 2 बजे तक या 10 बजे तक, 11 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स कई पेंटिंग कल 11 बजे तक होगी, कईयों ने बोला था आज के टाइम में, और कई कल 11 बजे तक होगी, ये आप चेक कर सकते हो। ओ हाथी, तो बीच में कल हम जब ये देख रहे थे कि क्या ये मछली बनी हुई है, कल जब मैं ये बीच में था तो ऐसा लग रहा था कुछ और बनेगा, शेषनाग बनेगा, पर ये बना है एक फिश, मछली है, ये मछली ही है, ये देख सकते हो कि मछली ऐसे राउंड हुई मछली है, ठीक है। थोड़ी ये अभी फूल बन भी रहे हैं, कमल के फूल बन रहे हैं, अभी ये रहती है, ठीक है। ये हाथी ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त हाथी लगा, ये टिकटॉक पर भी वीडियो बनाई थी मैंने, ये देख सकते हो, ये ऑसम है, मतलब कि सूर्य अब देखो कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। ये ढोल डाल ये कितने बढ़िया, ये वाइड एंगल। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो जी, अभी मछलियाँ, ये देखो मछलियाँ कई बन चुकी हैं, और ये अभी वर्क कर रहे हैं कछुए, जो बहुत असम, बल्कि कल भी असम लग रहा था, अब तो पूरा बन चुका है, ठीक है। बीच में ये अभी वर्क चल भी रहा है, ये देख सकते हो भाई पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो। और ये भी आप चेक कर सकते हो, शेर ने गोगल्स लगाए हुए हैं क्या, अच्छा ये फैंसी शेर है जिसने गोगल्स लगाए हुए हैं, गोगल्स लगाए, क्या सोचते हैं ये, आप देख सकते हो ये अभी इनका काम चल रहा है, ठीक है। ये इन्होंने ये क्या बनाया हुआ, रुकून, ये इंडिया के कल्चर को दिखाया है, कल्चर इन द सेंस कि हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा ऐसा मानना है कि हमने ना कभी भी एनिमल्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, तो हम इनका क्या मन करता है, ये चाहते हैं कि ये भी इंजॉय करें, ऐसे मतलब कला है हमारी, उनको इंजॉय कर सकें, तो हमने इंडियन मोटिव को लेते हुए जानवरों को अपने कला में इन्वॉल्व किया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि इन्होंने जो मतलब कि सोचा है वो बड़े अलग लेवल का सोचा हुआ है, जैसे कि शेर ने गोगल्स लगा रखे हैं, मतलब कि हाँ भी उसका भी मन करता होगा गोगल्स लगा के सेल्फी खींचने का, तो ये इंजॉय कर रहे हैं अपना अपना। तो आपने ये जिन्होंने ये तैयार किया है, क्या थिंकिंग रख के तैयार किया है, ये उन्होंने बता दिया है। जो चटाई कल भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है, क्योंकि ये कवर हो चुकी है, पूरी कंप्लीट बन चुकी है, ये इसीलिए ऐसी है, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ये आगे कल मोर ये बन रहे थे, आज ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं,
डाली पे मोर बैठे हैं, विंडो में ये बाहर से देख रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो। ये हाथी, छोटे छोटे हाथी बनाए हुए हैं, क्योंकि क्या होता है कि पहले जो ज़माने में जो पेंटिंग चलती थी वो ऐसे ही चलती थी और सेम ऐसे ही होता था, घरों में हाथी उत्ती बने होते थे, ये सारा कुछ बना होता था। ये आप देख, ये क्या उठ के आ गया ऑटो। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये इनका कुछ कंसेप्ट अलग ही होगा, ये सबका अलग अलग कंसेप्ट है, जैसे कि शेर ने गोगल्स लगा रखे थे, ठीक है। मतलब कि अच्छा लगता है जब आप इसके ऊपर चलोगे, कैसा लगेगा आपको, मतलब ये जब कवर हो जाएगी। तो ये ओवरऑल बन चुकी है या बना रहे हैं, ये अभी काम कर रहे हैं, बन गई भैया कवर होगी क्या? तो फ्रेंड्स ये ओवरऑल सारी बन चुकी है, इनका काम फिनिश। तो ये आप चेक कर सकते हो, अभी ये कवर कर रहे हैं, ताजो इनके ऊपर अभी कोई चले ना। ये कल से नहीं, 3 तारीख से गीता जयंती स्टार्ट है, तो वैसे तो ये मेले मूला तो स्टार्ट हो चुका है अपना 23 तारीख से, तो ये पूरी कवर हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। दूर से कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी। ये आगे इसके ऊपर वर्क चल रहा है अभी, ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर ये हाथी बना हुआ है, साथ में फीमेल्स बनी हुई हैं डांस करती हुई, ठीक है, मतलब कि इंडियन कल्चर कल्चर। तो ये आप देख सकते हो, अब हम आगे चलते हैं, आगे भी बन रही है। तो ये लगभग कईयों का कवर हो गया है, कईयों का रहता है कवर होने में, ये आप देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, ये क्या बन रहा है, ये एक फीमेल्स बनी हुई हैं, ये हट बनाया हुआ है इन्होंने, पता नहीं क्या बनाया हुआ है ये अच्छा, जो बैठी हुई हैं ये फीमेल्स बैठी हुई हैं, अरे तो ये देखो, ये फीमेल्स बैठी हुई हैं, ये अभी कर रहे हैं, वो उसकी गुत जा रही है तिखी सी, बंदा बढ़ने वाली। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये मतलब कि कई जगह आपने देखी हुई होगी कि पत्थरों के ऊपर ये पेंटिंग बनी होती हैं, तो ये भगवान विष्णु जी के सारे रूप दिखाए हुए हैं, ये कल हाफ में थे तो आज ये काफ़ी तक, जैसे कि ये क्या शिपकली बनी हुई है, बीच में कछुआ बना हुआ है और मछली, शेर भी बना हुआ है, सांप भी बने हुए हैं, ये क्या सारे बने हुए हैं, ओवरऑल मछली भी बनी हुई है आप देख सकते हो। तो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये आपको मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, बल्कि काफ़ी कुछ बना हुआ है, अभी बन भी रहा है, सिर्फ ये ही नहीं है, ठीक है, ये कम्प्लीट हो चुकी है, ओवरऑल मुझे लगता है ये कम्प्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। अभी वहाँ पे आरती शुरू होने वाली है या चल रही है ये मुझे पता नहीं है, ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, ये वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो आप हम आगे जा रहे हैं, फ्लोर पेंटिंग जो है F9 हो रही है, ऐसे ही F45 तक है, ठीक है, ये बड़े बड़े फूल बनाए हुए हैं जो कि बहुत ऑसम लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आगे जा रहे हैं, इसके बाहर ये बाउंड्री पे ये छोटे छोटे फूल बन रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो, ये क्षत्रिय और ये राजा रानी खड़े हुए हैं, ठीक है, ये देख सकते हो, इसके हाथ में कुछ है, मफलर को सही कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फोकस किया जाए, तो ये देख सकते हो कि ये बने हुए हैं सड़क के ऊपर, अभी ये काम कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये देखो कितना बढ़िया बनाया उन्होंने, बंसरी बनाई हुई है, उसके ऊपर मोर बनाया हुआ है, साथ में पंख और शंख बना रखा है जो कि काफ़ी औसम है। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, ये देख सकते हो, उसके मोर के अंदर जो बनाया हुआ है वो हाथ जोड़ के बनाया हुआ, पंख हाथ जोड़े हुए हैं, क्योंकि ये मोर की एंडिंग देखो, चेक करो, बढ़िया बना रखी है, एकदम औसम बना रखी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं वो इनके ऊपर वर्क कर भी रहे हैं, अभी ये कम्प्लीट हो चुकी हुई है, ठीक है, ये कम्प्लीट हो चुकी है और अभी आरती चल रही है। ये इन्होंने कारपेट टाइप बनाई हुई है पेंटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, देख सकते हो, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कारपेट होता है। तो ये अभी देखो, इसके बीच में छोटी 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 नक्काशी की हुई है, जो कि काफ़ी बढ़िया, जैसे ड्रम बजाते हुए रथ बनाए हुए हैं, ठीक है। ये युद्ध के लिए जो था, ये युद्ध वाला सिस्टम बना रखा है, जहाँ लड़ाई हो रही है, ये महाभारत इन्होंने दिखा रखी है, ठीक है। वो कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए बनाए हुए हैं चक्कर, मतलब कि पूरे, और ये चार घोड़े आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये ओवरऑल देख सकते हो कितना औसम लग रहा है, सही है ना, बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ये देखते हो एक पेज की तरह दिखा रखा है, मतलब कि जैसे ओल्ड पेज होता ना, तो ये काफ़ी बड़ा, ये देखते हो फ्लोर पेंटिंग। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से नंबर की फ्लोर पेंटिंग लगी अच्छी, ठीक है। ये F25 है, एक F21 से शुरू हुई थी, ठीक है, मतलब कि F21 से शुरू हुई है। हम जो फ्लोर पेंटिंग देखे आए हैं वो हमने 25 फ्लोर पेंटिंग, आपने देख लीजिए 25वीं फ्लोर पेंटिंग है, अभी वो चलेगी, वो कल बननी है अभी, छः बीच में आरती आने लगी है उसके लिए सॉरी। और ये आप देख सकते हो कि मैं बैकग्राउंड में ये देख सकते हो, ये अब हम आगे जाएंगे जब ये सारी कवर हो जाएगी मेरी, उसके बाद मैं आपको ये पूरी कवर, मैं पूरी कैसे दिखाऊंगा आपको, ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ वहाँ तक देख लो, मैनेज कर लो। ये आप देख सकते हो, हम आगे जा रहे हैं, ये सारी फ्लोर पेंटिंग होनी है,
ठीक है। और अभी ये आरती चल रही है वहाँ पे, ये आप देख सकते हो ऊँट बना हुआ है, ये फ्लोर पेंटिंग हम F28 पे आ चुके हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, कमल वाली पेंटिंग बनी हुई है और साथ में इन्होंने सूरज बनाया हुआ है, उसमें सारा कुछ दिखाया हुआ है इन्होंने A to Z। तो ये आप चेक कर सकते हो, हम आ चल रहे हैं आगे। तो ये फ्लोर पेंटिंग जो बनी है 45 बनी हुई है, ये इंटरनेशनल मतलब कि कॉम्पिटिशन चल रहा है, मतलब कि नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन चल रहा है। ये आप देख सकते हो, ये अभी बन रही है, ये आप चेक कर सकते हो, ओवरऑल जो चेक कर रहे हो ये बन रही है, कई बन रही हैं और कई बन चुकी हैं और कईयों पे वर्क चल रहा है, ठीक है। तो हम आगे भी जा रहे हैं साथ के साथ। ये भाई ने बनाया हुआ है, बहुत औसम बनाया हुआ है, ये भाई देख सकते हो, ठीक है। तो ये भाई ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भाई कुरुक्षेत्र से ही है, करनाल से, कुरुक्षेत्र से ही है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये पेड़ बनाया हुआ है और शाम का बेला बनाया हुआ है, शाम का टाइम, ठीक है, बेला पंजाबी में कहते हैं। चिड़ी बनाई हुई है, साथ में उसका बच्चा बनाया हुआ है, पेड़ बनाया हुआ है, ये अभी बना रहे हैं, ये इन्होंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो ये इन्होंने बनाया हुआ, अभी इसके ऊपर वर्क चल रहा है। जैसे कि जो हिरन है वो महात्मा बुद्ध जी को दर्शाता है, तो उसी लेवल के इन्होंने सोच के, जो इनकी सोच है वो सारा कुछ बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये इन्होंने इन्होंने बनाया हुआ है और ये वर्क कर रहे हैं, मतलब कि ये इनकी मतलब कि टीम है, ठीक है, जो ओवरऑल इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये अभी वर्क कर रहे हैं, जैसे ये छोटे छोटे वर्क कर रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हो, ये वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। अभी ये अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ये अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ये देख सकते हो। और पूरा ध्यान रखना कहीं मेरी वीडियो के चक्कर में इनके नुकसान ना हो जाए, ठीक है। और ये देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, थोड़ा सा रहता है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हो। ये कमल के फूल बनाए हुए, बीच में फिश बनाई हुई है, मेरे हिसाब से जहाँ जो इन्होंने सोच के बनाया, आप देखो, ठीक है। ये अभी बनेगी, कल का लास्ट डेट है इनके, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये अभी बना रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ये इनका इंटरनेशनल लग रहा हो भैया, बहुत अच्छा बना रहे हो। तो ये आप देख सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया बढ़िया मतलब कि चल रही है, ओवरऑल सारे बढ़िया बढ़िया बना रहे हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा ये चेक कर सकते हो, आप देखो हमने दूर से दिखा लिया, ये अभी वर्क कर रहे हैं, इन्होंने कल फ्लोर पेंटिंग कर दी थी नीचे, अभी जो बना रहे हैं उसके ऊपर कला कर रहे हैं, अपनी कहर वाली कला कर रहे हैं, ठीक है। ये बीच में अभी ये इन्होंने बनाना है, ठीक है। ये इनकी टीम, इनकी अलग अलग टीम है। अभी बैकग्राउंड में मैं आपको म्यूजिक लगा के सारी दिखाऊंगा, ठीक है, जो कवर हो चुकी है, जो चल रही हैं, ये देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी हुई है। ओ जहरा भी इसके ऊपर काम चल रहा है, मतलब कितनी बढ़िया बनाई हुई है, मतलब वाकई लग रहा है ना कुछ किया आया काम। तो ये देख सकते हो, ये मोर बना हुआ है, ठीक है, जो कर्नाटक नहीं, ये झांसी से है जिन्होंने ये बनाया, मैंने कल इनका इंटरव्यू लिया था, ये झांसी से है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आप चेक कर सकते हो। तो अब मैं बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक लगा के एक बार सारी दिखा देता
चल रही थी वो फ्लोर पेंटिंग की आपने देखी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश किया कि पूरी कवर कर पाऊँ। बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक लगा के बताइए वो थोड़ी फॉरवर्ड में थी तो उसमें काफ़ी बढ़िया लगा होगा। अब हम जा रहे हैं शॉप नंबर 125 में, ठीक है, और बस तीन चार रह गए हैं तो ओवरऑल मैं सारी कवर कर दूंगा। और आई होप कि आपको फ्लोर पेंटिंग अच्छी लगी हो। बीच में आरती हो रही थी जो कि मैंने कवर कर ली, पूरी अच्छे से नहीं कवर कर पाया मैं। चार तारीख के बाद कोशिश करूँगा कि कवर कर लूँ, क्योंकि चार तारीख के बाद वो खुद सिंग करेंगे आरती को, जिसके कारण कॉपीराइट स्ट्राइक का खतरा नहीं रहेगा। तो अभी हम जाएंगे और उसके बाद बस वीडियो को एंड करेंगे। तो आज की मैं था कि हम जहाँ फ्लोर पेंटिंग छोड़ रहे हैं वहाँ पे, और ये कल 11 बजे तक ओवरऑल सारी फ्लोर पेंटिंग खत्म हो जाएगी। बीच में फ्लोर पेंटिंग अभी चल भी रही थी, सारी क्लियर नहीं, खत्म नहीं हुई अभी, वो काम वर्क चल रहा था। तो बस यही है, आई होप कि आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगे, क्योंकि आज के कंटेंट में मैंने फ्लोर पेंटिंग सारी कवर कर लिया है। तो कल ये कवर हो जाएगी पूरी, ओवरऑल सारी फ्लोर पेंटिंग बन जाएगी। और कल तारीख हैगी एक, कल संडे, कल बहुत भीड़ होने वाली है। कोशिश करूँगा ड्रोन से शॉट, किसने लिया है उनसे मांग लूँ, अगर ड्रोन से शॉट मिल गया तो आपको बहुत औसम लगेगा। तो बस चलो अब आपको थोड़ी इंजॉय भी करवा दूँ, कि जैसे कि आपको ऐसा लगे कि आप मेले में खुद आए हो। तो अभी कुछ सीन आएगा, इधर का सीन है कुछ ऐसा, ठीक है, और इधर ब्रह्म सरोवर का सीन है कुछ ऐसा। ऐसे वाले पानी एकदम शांत है और बहुत ऐसे वाले बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आजकल जो शूट कर रहा हूँ वो सारे शाम को ही कर रहा हूँ, अभी रात हो चुकी है, पूरी लाइटें जली हुई है, पर फिर भी इसकी कैमरा क्वालिटी मैनेज करती है। तो बैक कैमरा चला दिया है, तो अभी हम बैक कैमरे में जाएंगे शॉप नंबर 125, और नहीं 219 पे भी जाना है, दो शॉप कवर करनी है मुझे। और उसके बाद मैं आपको फिलहाल तो मिला दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी दिखाऊंगा गीता जयंती। आज की वीडियो की शायद मैं कोशिश करूंगा कि आज छोड़ी, मैंने कल एक घंटे की वीडियो बन गई थी। अभी मैं जा रहा हूं अपना बैग लेने, क्योंकि मैं बैग में अभी मैं उधर गया था फ्लोर पेंटिंग, और क्योंकि मुझे इधर आना था। अभी देखते हैं, जमाती अभी इधर उधर घूम रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम बैग लेंगे, यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है अभी, हम गीता जयंती के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जमाती ये सारी सबको आप जानते हो, ठीक है, वो बीच में बैठा जिसकी आँखें नहीं खुल रही, ज़बरदस्ती आँखें खोल रहा है, ओहो। तो ये लाइफ गार्ड है यहाँ के, और बचाव दल जिसको कहते हैं, और वहाँ पड़ा मेरा हेलमेट, ले लिया है। ये मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बैग रख लेता, हेलमेट रख लेता, कोई कुछ नहीं कहते, अदरवाइज़ क्या होता, नहीं तो बोलने लग जाते हैं। तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ये भी काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है ना। जैसे बैग हेलमेट मैं लेके कैसे घूमता फिरूंगा। तो अभी हम जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं, तो बैक कैमरा चला देता हूँ कैमरा। और रात का सीन कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हो, अभी ये रात का सीन आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा है सीन है, और हम थोड़ा बड़ा कैमरा लगते हैं। तो हाँ, अब एंजॉय कर सकते हो आप, ठीक है। तो भीड़ में कैमरे के ऊपर से ज़्यादा बढ़िया लगता है ना। अब सपोज करो अगर मेरे पास ड्रोन होता या मैंने ड्रोन लिया होता, ड्रोन मुझे लगता नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो कंटेंट कुछ ऐसा है जिसमें ड्रोन की जरूरत इतनी पड़ती नहीं है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं शौचालय, ठीक है, ये मैं शौचालय जा रहा हूँ, इसको यहीं से बंद कर, शौचालय कराया इधर, शौचालय अगर किसी ने जाना हो तो जा सकता है, ठीक है। वेट करना किसी ने कर सकता है, वेट हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम वेट करें, ठीक है। और आवाज़ तो आई थी उधर से, तो हम आगे जा रहे हैं, अब आगे तो जा रहे हैं, पर हमने शॉप नंबर कौन सी जाना है, शॉप नंबर अभी कमेंट में मैंने लिखी हुई है। मैंने जो कमेंट आते हैं ना उसको मैं अपने दोस्त लवली को भेज देता हूँ, और जब मैं भूल जाता हूँ तो मैं उसको देख लेता हूँ वापस निकाल के, ठीक है। अभी रात का टाइम है, थोड़ा मैं मेला ना इसके ऊपर जाके दिखा देता हूँ आपको, इसके ऊपर ये देख सकते हो, भीड़ तो खैर है अभी, देख सकते हो अभी भीड़ काफ़ी, और उससे भी बढ़िया नज़ारा ये देख सकते हो, थोड़ा जूम किया जाए। अभी रात को जूम है ना ज़्यादा इतना खास होता नहीं है, जो चांद निकला हुआ है, ठीक है, जूम तो अच्छा है खैर, ठीक है। बाकी यहाँ पे कई फोटो लेते हैं, कई सारा कुछ करते हैं, ठीक है। तो भीड़ काफ़ी अच्छी है, तो चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। वेदर मैंने आपको दिखा दिया, शॉप्स ये सारी आप देख सकते हो, और शॉप्स के ऊपर कल भीड़ होगी, कल शॉप्स के ऊपर वीडियो नहीं बन पाएगी, तो क्यों ना मैं परसों का शॉप के ऊपर, परसों भीड़ होगी, सोमवार मंगलवार
मतलब कि दो तरीके से भीड़ होनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि एक तरीके से लगा लो ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी आगे जाएंगे और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे। तो फ्लोर पेंटिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और फ्लोर पेंटिंग F1 से लेके F45 तक है ठीक है, और उनमें से कौन सी आपको सबसे बेस्ट लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ठीक है। बाकी कल मैं वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो कल उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना ही दूंगा ठीक है, आपको काफ़ी बढ़िया रहेगी ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं ठीक है, तो हम जा ही रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। वैसे मुझे शॉप वाली साइड में रहना चाहिए ना, तो हम अभी इधर जा रहे हैं, तो फिलहाल हम साइड में से जा रहे हैं ठीक है। अभी आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा, वैसे भीड़ तो है, खैर मानना पड़ेगा, बल्कि ऐसे बीच में थोड़ा कम हो जाती है, अदरवाइज़ भीड़ रहती है। और मेले में क्या सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है ये देख, चेक कर सकते हो, ये भाई देख सकते हो, ओह तो वो चेक कर सकते हो, वो पूपड़ियाँ सियाँ बजाने वाली भी काफ़ी बढ़िया रहती है ठीक है। नंबर 125 ये चेक कर सकते हो, शॉप नंबर 125। हम आगे निकल गए बातों बातों में और मैं वापस आया हूँ, पर इंटरव्यू नहीं ले पाऊँगा उसके लिए, सो शॉप इंटरव्यू मैं किसी का भी नहीं ले पाऊँगा। चेक कर सकते हो मैसेज किसने किया था ये मुझे पता नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे कपड़े मिलते हैं फीमेल्स के ठीक है। और ये सारे स्वेटर है, मतलब कि नेट है सारी, ये आप चेक कर सकते हो ठीक है। और नेट कितने से कितने स्टार्ट होती है ये मुझे पता नहीं है ठीक है। भाई कितने से स्टार्ट हो जाती है, कितने से और एंड कितने पे है? 3,200 से स्टार्ट है और 3,000 पे एंड है ठीक है। और ये सारा ऊपर डालते हैं ना, जो वो वाला सिस्टम है लड़के जो डालते हैं स्वेटर सा वो है। तो चलो अब आगे चलते हैं और आगे अब चलेंगे। ये भाई आ रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहा है, कुछ वीडियो कॉलिंग नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, हम नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं तो हो जाते हैं कि भले कर देते हैं डिस्टर्ब कि हाँ भाई आप वीडियो कॉलिंग बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, ये दिक्कत हो ही जाती है। अभी हम आगे जा रहे हैं और शॉप नंबर हमने 125 नंबर शॉप कवर कर लिया, और 125 नंबर का कमेंट था ठीक है, जो भाई ने हाई करने को बोला था हाई कर दिया हमने, उसका नाम मैं भूल गया, वैसे मैंने नाम बड़े भाई मैं भूल जाता हूँ नाम, खासकर मुझे याद नहीं रहते, मैं बहुत जल्दी जल्दी नाम भूल जाता हूँ। तो 125 नंबर शॉप कवर कर लिया, इंटरव्यू मैं किसी का नहीं ले सकता क्योंकि टाइम लंबी शॉप बहुत ही है, और उसके बाद उन्होंने कस्टमर भी अटेंड करने होते हैं। हाँ जी हाँ जी बोलो। तो ये 163 कितना होता है, 63 है ना, 163, ये 163 शॉप नंबर इनकी है, और इन्होंने बोला है कि प्लीज़ हमारा शॉप नंबर भी ले एक बार प्लीज़। तो 163 नंबर मैं भूल ना जाऊँ, याद रखना 163 नंबर शॉप, और अभी इनकी कवर कर लेंगे 163 नंबर शॉप होते हैं कि यार क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम आगे जा रहे हैं, अब जाते जाते 163 नंबर शॉप कहाँ पे आएगी याद रखना, 163 नंबर शॉप कहाँ पे आएगी हम कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। और अभी फिलहाल हम आगे जा रहे हैं और मतलब कि बस चलो आगे चले, 163 नंबर शॉप आ गई है। तो ये आप देख सकते हो 163 नंबर शॉप, इन्होंने कमेंट तो नहीं किया पर इन्होंने वैसे बताया, 163 नंबर दिख नहीं रही, 163 है ये ठीक है। ये शॉप नंबर आप देख सकते हो, ये 62 दिखा देता हूँ आपको, 62 और 63 जो कि नहीं दिखनी, हाँ दिखी अब दिखी, ये नहीं दिखी, ये 163 नंबर शॉप है, शॉप जो है ज्वेलरी की, ये मैम ने बोला था कि शेप कवर कर लेना ठीक है, धन्यवाद आपका। और ये कहाँ से कितने रेट से स्टार्ट होती है, ये स्टार्टिंग रेट ये कम से कम आपको 150 से स्टार्टिंग, अच्छा ये 150 से स्टार्ट है, और एंड कितना है कि सबसे महंगी वाली चीज़, 600 तक आपको मतलब कि 600 से 600 तक मिल जाएगी एडम ठीक है। ये आप देख सकते हो ठीक है, ये आप देख सकते हो ज्वेलरी सारी आ गई है ठीक है जी। तो जा रहे हैं हम आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे, तो हम आगे जा रहे हैं अब। तो उन्होंने बोला था बड़े प्यार से, बोला उन्होंने कि हाँ अभी कवर कर लेना शॉप, कमेंट भी कर देते तो भी मैं कर देता। ओ भाई एक बार फिर से जाना, चेक कर लो कितनी लंबी है पवन की वो, थैंक यू भाई। तो हम आगे जा रहे हैं ठीक है, मिले देख लो मिलो में ये चीज़ें बहुत होती हैं, और कल आज शनिवार है ठीक है, और कल बहुत भीड़ होने वाली है ठीक है। अब हम 219 नंबर शॉप कवर करेंगे, उसके बाद वीडियो का एंड, तो उसके बाद वीडियो का एंड कर देंगे, और थोड़ी सी मैं टिकटॉक पे वीडियो बना लूँगा, टिकटॉक पे मुझे प्लीज़ फॉलो करो, टिकटॉक पे सपोर्ट करो, वैसे मुझे काफ़ी जने सपोर्ट कर रहे हैं टिकटॉक पे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू भाई। अगर जिन्होंने सब्सक्राइबरों ने मुझे टिकटॉक पे फॉलो किया, टिकटॉक आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप स्विमिंग वाइज मनी सर्च मारोगे टिकटॉक पे तब भी यही मेरी वीडियो आ जाएगी, और चैनल का ही लोगो लगाया है मैंने, लोगो मेरा अलग से नहीं है। तो चलो अब बाकी चलते हैं।
सुबह का वेदर कुछ ऐसा है, हम उधर से सारा आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ से हम सारी जगह से घूम के आए हुए हैं, ठीक है। ये शॉप 50 रुपये की सेल आ गई, ठीक है, हेडफोन में लगाने 50-50 की सेल, ठीक है, 50 की सेल। एक बार देख लेते हैं शॉप नंबर, पता नहीं शॉप नंबर दिख नहीं रही, शॉप नंबर 186 है, ठीक है, शॉप नंबर 50 रुपये की सेल है, देख लेते हैं अंदर जाके, 50 रुपये की सेल है, जुम के ये सारी 50 की है, कुछ भी अच्छा 100 भी है, मतलब कि ओवरऑल 50 भी है, ये सामने वाली 50 है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जी 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 50 नंबर शॉप, मतलब कि पेटीएम भी हो जाएगा, टेंशन ना लो। शॉप नंबर ये हैगी है, पता नहीं दिख नहीं रही, 186 है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, 187, ठीक है। तो वहाँ 50 रुपये की सेल लगी है, अगर लड़के ने झुमके जाम के लेने तो कल देख सकते हो। और कप, कप देख लो, ये सारी तरह के कप बैठे हुए हैं, ओ ये चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। तो चलो अब हम आगे चलेंगे, ज्वेलरी 150 वाली हमने सारी दिखा रखी है, 150 रुपये की सेल है ज्वेलरी की, ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं, तो चलो आगे चलते हैं। वो छोटे छोटे वो कुत्ते का डरा रहे हैं सिंग लगा के, तो हम आगे जा रहे हैं और तेज तेज आगे जाएंगे, और बस कोशिश करेंगे कि वीडियो लंबी ना हो, और मैं बहुत ज़्यादा और बोल रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन बहुत ज़्यादा और आ रहा है तो और नहीं बोलना, ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, ये छोटे छोटे ये चीज़ बहुत मतलब कि प्यारी प्यारी लग रही है, ये भाई बेच रहा है, ठीक है, ये वो चलते रहते हैं, बाकी इधर चेयर चूर्स है, ठीक है, कल हम मेला कवर करेंगे, कल मेला ही कवर करेंगे, कल और कुछ चीज़, ठीक है, तो कल हम मेला कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, ये सारे आज देख सकते हो इधर भीड़ कितनी है, ठीक है, इधर भीड़ है, इधर एंट्री गेट है ना, तो इसलिए भीड़ इधर है, ठीक है। तो क्या करें, थोड़ा फ्रंट कैमरा चला लें, बीच में गीता आरती आ रही थी शायद, वहाँ पे मैंने स्किप किया, आई डोंट नो। तो बस ये भाई बोल रहा है, हाँ जी भैया, यूट्यूब चैनल आ गया, बिल्कुल, किस नाम से है? स्विमिंग बाय मनी, बता दो। तो भाई ये अपना अभी अभी सब्सक्राइब कर लिया भाई ने, और भाई चैनल का नाम पूछ रहा था, तो बढ़िया है, ड्यूटी कर रहे हैं टाइम से और काफ़ी बढ़िया है। तो ये भाई बोल रहे थे वीडियो बना दो, भाई की वीडियो भी बना दी, और भाई ऐसे तो करते हो, एक बार गीता जयंती में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है या फिर कैसे? तो ये आप चेक कर सकते हो, और ये ओवरऑल इनकी ड्यूटी है, और ये गीता जयंती इंजॉय कर रहे हैं, प्यार से ये ना करें, ये गौर से देखेंगे, ठीक है। तो भैया आप ड्यूटी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है आपका भी काम, और ये भाई ओ ये भी सही है, सही है। तो ओके ओवरऑल थैंक यू यार, चलो तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो बना रहे हैं, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बस यही सीन था कुछ। हम वीडियो के एंड के वाले शोर पे पास पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमें अरे ये देखो चेक करो, ये कितना प्यारा है, ओहो चेक करो ये टैटी की दुकान है, 114, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये कछुआ बहुत अच्छा लग रहा है, ये डोगी बहुत अच्छा लग रहा है, ये टैटी है, ये ओवरऑल टैटी मुझे बताना कि आपको कौन सा लगा, मिनी आइज भी आ गया यहाँ पे, ये चेक करो बढ़िया बढ़िया टैडी है। तो हम अब शॉप नंबर 219 कवर करेंगे, उसके बाद हमारी वीडियो का हो जाएगा एंड, तो 219 नंबर हम शॉप करेंगे, 219 नंबर शॉप कहाँ है वो देखेंगे हम, 217 है इसके सामने लगे ना वो मैग्नेट वाला, वो आज फिर करेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही अपनी 219 नंबर शॉप, जी चेक करो, भाई ने कमेंट किया होगा जरूर, ठीक है। यहाँ है क्या अचार, 219 नंबर शॉप पे है अचार, ये कमेंट आया था कमेंट, 219 नंबर शॉप दिखी, ये अचार है, ये भाई ने कमेंट किया होगा अचार, ये चेक कर सकते हो, ये भाई अचार चेक करा रहे हैं, ठीक है, ये भाई चार चेक कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल जो चार चेक करा रहे हैं, ठीक है, कमेंट किया, अब पता नहीं किसने कमेंट किया था, ठीक है, और ये अब भाई चार चेक करा रहे हैं, मुझे लहसुन का चार पसंद है, ठीक है, ये भाई गोर गोर से देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है, ठीक है, ये चार हमने चेक कर लिया, ठीक है, अब हम आगे जाएंगे, तो चलो अब हम आगे जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे, आगे कहीं नहीं जाएंगे, अब वीडियो का एंड करेंगे, ठीक है। तो बस ये 219 नंबर शॉप है 20, और यहीं से वहाँ पे दो एंट्री गेट है, गेट नंबर 7, ठीक है। तो चलो वीडियो का एंड, की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, आई होप कि वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी इतनी लंबी। और हाँ एक चीज़ और, कल हमने एक चीज़ ट्राई की थी, आज फिर ट्राई करेंगे, आज कैमरे के सामने करेंगे आज हम, ठीक है। इसमें क्या होना होता है कि एक वो रिंग से होती है, पूरी पार करनी होती है बिना टच किए हुए, जैसे टच होती है टू बॉल पड़ती है, ये बिना टच किए करनी होती है, तो चलो अब इसको ट्राई करेंगे। तो अभी भाई वो कर रहे हैं, इसमें टच होगी तो टू टू की आवाज़ आएगी, अभी मैं जाके करूँगा वहाँ पे, ठीक है, सारा सेटअप कर लिया, टच होगी इसकी, टू की आवाज़ आ गई, देखा आगे आगे अब मेरी बारी
आप स्विमिंग की कोई वीडियो सर्च मारोगे तीसरी चौथी वीडियो मेरी आएगी। भाई ने हाफ तक कर लिया, अगर इसमें टच हो गया टू की बात आएगी, टू की बात आएगी। और ये बस ये लास्ट है, वीडियो का एंड है। मैंने चिल मस्त रही करके देखें, बस ये मुश्किल होता है काफ़ी, एक हाथ से करना होता है, दो हाथ नहीं लगाने होते, ये भी कंडीशन होती है। तो यहाँ भीड़ लगी थी खचा खच, ये भाई कर रहा है कामयाब कामयाब हाफ हो गया। सर्च मार दो, बस मार दो, मनी आ गई आ गया शुक्रिया शुक्रिया, बढ़िया बढ़िया, ये सब्सक्राइबर मेरे पहले से थे। भाई कामयाब होता हुआ फ्रेंड्स, ये देखने को आसान लगता है, ये आसान होता नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है। हट भाई मुझे कैमरा देखने दे, तो ये मुश्किल होता है। ये भाई बढ़िया कर रहा है एकदम जनवन जनवन जनवन। ना भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाद में ये सारी वीडियो एडिटिंग होके अपलोड होगी। मैं किसी की तरफ से नहीं, मैं अपने चैनल की तरफ से हूँ, हमें कोई नहीं पूछता। दोस्त काम करते हैं और ये बढ़िया बढ़िया। और ये भाई ने थोड़ा फोकस करेंगे भाई पे, ये भाई ने कवर कर दिया। और ये 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 तो ये हो गया कवर। भाई एक बार शक्ल दिखा दे यार, ताड़ियां मार दो, बड़ा मुश्किल काम है ये एक बार। तो ये हो गया कवर, तो अब भाई वापस जा रहा है और अब मैं करूंगा एक बार ही करूंगा ट्राई, ठीक है। तो कैमरा मैंने सेट कर दिया, ये भाई अब लेके जा रहा है वापस। हाँ तो आज करने मनाया क्या भाई ने, यहाँ तक ले आके भाई वापस लेके जा रहे हैं, वापस भी लेके जाना है क्या, बस लेके जाना है इधर। तो ना ये भैया है, वो भैया है जो इसको क्लियर कर देते हैं, ये उनको मेडल देते हैं। ये भाई ने कर दिया क्लियर, ठीक है, वैसे नाम भी लिखते हैं। तो अगली बारी मेरी है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं कर लेना। तो ये मेरा कैमरा सेटअप है, पूरा सेटअप है, एकदम सेटअप, वीडियो चल रही है। भाई ने पूरा कवर कर दिया, वापस भी लेके आया और वापस लेके भी गया। बहुत मतलब कि बड़ी तगड़ी बात है, ये आसान नहीं कहीं होता नहीं, टूं कर देता है ये बहुत जल्दी। तो भैया इनका तो मेडल पक्का है, तो ये मेडल दिखाना एक बार एक। तो फ्रेंड्स जो ये पार कर देता ना उनको ये मेडल देते हैं, ठीक है। भाई ने बहुत अच्छा किया भाई, ताड़ियां बजा दो। तो ये मेडल देते हैं, ये वाला मेडल देते हैं जो ये पार करता है, ये गीता उसके तरफ से। थैंक यू, मेरी बारी भाई, भाई रुक जा, जाऊंगा मैं, जाऊंगा भाई देखने, एक की 2100 रुपये मिलेगा भाई के बाद, मेरी बारी इसको बना दी, 2100 रुपये मिलेगा, बढ़ रही है। हाँ लगा कैश प्राइस 2100 रुपया, 2100 रुपये बस सही है, 1.5 लाख रुपया रख लो तभी मिलेगा। देखना भाई आप वाई फाई कर रहे फ्रेंड्स, ये करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। मैं बहुत तेज तेज करने की कोशिश करता हूँ, तो ये भाई को एक्सपीरियंस जीत गया, 100 रुपये जीत गया, 100 है 2100, 100 रुपये पक्की जीत गया। जीएसटी काट के 2-3 रुपये ही मिलने हैं, बाकी सारा जीएसटी जीएसटी मेरा नहीं है भाई, ले जा ले 2100 रुपये दोस्तों। वाह कवर जल्दी हो गया भाई।
ये भाई ने अभी पहले थोड़ी देर पहले भी किया है, भाई से ना भाई ने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था और अब भाई को एक्सपीरियंस हो गया है। एक्सपीरियंस और ये हाथी पूरा निकल चुका है, पूछ रहती है और ये हाथी की पूछ भी निकलती हुई अपने लिए रूल कुछ अलग है, अपने लिए रूल ये है कि टच से अलग नहीं होना चाहिए। ओके तो तैयार है, इसके बाद वीडियो का एंड स्टार्ट कर, मतलब हो गया क्या? स्टार्ट करनी पड़ेगी, चलती भैया भाई ये रुकी नहीं है, चली रही है। चलो तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये चेक कर लो, ये टू बोलती है, हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जा रहा हूँ सोफी से मिलने, अब दो हाथ नहीं लगाने, एक ही हाथ लगाना होता है। बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे टेंशन ना ले, ऐसा कट गया इसका पर्चा कट गया यहाँ पे, टू बोलते हैं। सोफी स्पीड पे जा रही है गाड़ी अपनी, कर दिया तवा 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 तवा, बचते हुए सोगी स्पीड पे आगे जाते हुए और ये कंट्रोल किया, काफी कंट्रोल किया, काफी कंट्रोल किया, जहर 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 टच हो गया, बल्कि वो इसलिए टच किया कि चल रहा है या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक बार टच हुआ है। पर मैं एक एक बात तो है, मेरी स्पीड है या टाइम टाइम भी होना चाहिए, कितने टाइम में ये कवर भाई, ये लिमिट होना चाहिए, टाइम टाइम लिमिट होनी चाहिए, नहीं तो जिग जैग कर दिया पूरा, बल्कि टच तो हो गया, वो है तो हो, तो स्पीड हमने तेज किया है, ले जा ले जा ले जा ले जा। तो फ्रेंड्स हमने पूरा कर दिया ये, ठीक है, तो ये टू बोल दिया, टू क्यों बोल गया, मैं चेक भी तो करना, चल रहा था नहीं चल रहा, ठीक है, ये सारे चेक कर रहे हैं, ये भाई ने कवर कर दिया, हाँ भाई को देख के मैंने कॉपी कर दिया। तो ये ओवरऑल ये चलो आपको थोड़ा सा ये दिखाई देता हूँ, वैसे मैंने ये हर एक वीडियो में कवर किया है, वीडियो लंबी ना हो जाए जल्दी जल्दी, ये आपको दिखाएंगे चेक। अब ब्रह्मसोर के गीते जयंती का मेला मार ले, मेरी वीडियो आनी है सारी, तो यार सड़क के ऊपर ये आप चेक लो चेक ऑटोमेटिक पार्किंग, ये इनके ऊपर मैंने वैसे सारी वीडियो बनाई हुई है, आप टेक्निकल लवली मनी पे देख सकते हो, और ये जिन जिन बच्चों ने बनाया उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है जी, आप ओवरऑल देख सकते हो। ओ चक जिंदाबाद, इस टैंकर का क्या रोल है? इस टैंकर पे कल गाड़ी लगेगी नीचे, आज सिर्फ आर्ट की वर्कशॉप में सिर्फ ये बनाया है ना। अच्छा, मतलब कि इसके नीचे गाड़ी लगेगी? गाड़ी लगेगी क्या नीचे, यहाँ लगेगी या इसके नीचे लगेगी? नीचे। अच्छा, फिर उसका बेनिफिट क्या रहेगा? बेनिफिट चलते ही दिखेगी, नहीं चलते हुए दिखेगी, मतलब अभी जो चल नहीं रहा ना, ना वर्किंग में ही रहे, तो इसमें कुछ खास है? खास तो जब चलेगी तभी दिखेगी ना। अच्छा खास, ये मोबाइल से कंट्रोल होगी? हाँ ये मोबाइल से कंट्रोल होगी, देखना भैया देखना, बाकी इनका कॉन्सेप्ट मैंने सारा समझाया हुआ है आपको, ठीक है, ये अभी आप देख सकते हो। तो ये डोर है, ये अमेरिका से बैठ के आप कंट्रोल कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, ये सेटअप इनका नया है। भैया ये क्या सिस्टम है? स्मार्ट डस्टबिन है, इसमें आईआर सेंसर अच्छा, लगे हुए हैं। अच्छा, अगर आप इसको टच करने की जरूरत नहीं है, आप इसके आगे जाओगे, ये सेंस करेगा आपकी बॉडी को और अपने आप चक्को जहर चक्को डस्टबिन पाना कूड़ा पड़ा है तो बल्कि दूर से नहीं फेंकना पड़ेगा, पास में आना ही पड़ेगा इसको, एक बार अगर ये फिल हो जाएगा जब, हाँ? तो ये सिग्नल भेजेगा डिस्पोजिंग के लिए। अच्छा, मतलब मैं पे मैसेज भेजेगा? हाँ, डिस्पोजिंग के लिए सिग्नल भेजेगा, क्या मुझे खाली कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये रिमोट कंट्रोल है जो कि मोबाइल से गाड़ी कंट्रोल होती है, ये सिस्टम है मच्छरों को मारने के लिए, जो मच्छर के अंडे होते हैं उनके लिए, वो भी रिमोट कंट्रोल है, पर वो सेंस कर लेती है कि आगे कोई चीज़ आई है, ऑटोमेटिकली रुकना है, जैसे दीवार आ गई या कोई खंभा आ गया ये, और इधर का सिस्टम हमें पता नहीं है। उधर क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे गीता श्लोक सुनाया जाता है, जो बच्चा गीता श्लोक पूरा सुनाता है उसको मेडल मिलता है, ये आप चेक कर सकते हो। ओए जी, आप चेक कर सकते हो, मेरा कैमरा आगे हो गया था, ये आप चेक कर सकते हो, ये लड़की सुना गया, ये कछुआ तो आपने देखा है, तो चलो वीडियो का एंड करें। अभी मैंने सारी वीडियो का एंड कर रहा हूँ और ओवरऑल हमने सारा कुछ दिखा दिया। आज की गीता जयंती में क्या था, एक तो कमेंट कवर करने थे, दूसरा फ्लोर पेंटिंग कवर कर ली, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट, मतलब कि ऑनलाइन कैसे मार्केटिंग करते हैं, वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जो पीछे बैठे ये ऑनलाइन प्रोडक्ट मतलब कि करने वाले
आपको उधर बुलाया जी जी ये हाँ मैं वही बता रहा था जो मैं बता रहा था वही बुला रहे हैं कि ये जो करते हैं ये ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं ये मेला घूमना होता है इसको कहते हैं मेला घूमना ठीक है तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं अगर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में कुछ पूछना है या कुछ सीखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो और इनका कैंप भी लगता है ये क्लासे भी देते हैं और हाँ ये दिख रहा है ये भाई कहता है ये दिखा दो ये दिख रहा है ये फ्रंट कैमरा ही चल रहा है तो ये चल रहा है तो ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में आपने कुछ भी सीखना है यहाँ के सीख सकते हो वैसे मुझे सारा कुछ पता है मैंने क्लासे ले ली है तो जनती नहीं है तो आपने कुछ परचेज़ करना है ये गेट नंबर 8 है और मेन गेट नंबर 1 नंबर गेट ये यहीं पर पड़ता है उससे थोड़ा इधर आओगे तो ये गेट नंबर 8 के सामने ये गुलाटी गिफ्ट हाउस है ठीक है जी आपको दिखाता हूँ बैक कुछ परचेज़ करना है परचेज़ कर सकते हो साथ में ये खाने पीने की शॉप है खाओ पियो अगर आप दूर से आए हो खाओ पियो जहाँ परचेज़ कर सकते हो यहाँ पे बच्चों के गिफ्ट से लेके हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी जिस सर आपको यहीं पे मिलेंगे यहाँ पे कृष्ण भगवान की आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ मिल जाएगी जो मंदिर में रखते हैं ये आप चेक कर सकते हो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ठीक है उसके बाद आपको ये बच्चों के गिफ्ट भी मिल जाएंगे सारे के सारे ये आप चेक कर सकते हो जैसे मैं भी अभी ये डोल लेके गया था ये वाली डोल मैं लेके गया था और प्राइस भी आपको जेन्युइन मिलेगा कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि प्राइस ज़्यादा मिलेगा तो प्राइस भी आपको एकदम सही मिलेगा वैसे मैं यहाँ से धूप भी लेके जाता हूँ काफ़ी बढ़िया रहती है धूप की यहाँ ये आप देख सकते हो ठीक है तो ये आप देख सकते हो ये आरती का सामान भी मिल जाता है ये सारा का सारा ठीक है ना ठाकुर जी के बर्तन ठीक है फ्रेंड्स तो ये कछुआ मेरी दुकान पर भी पड़ा है अगर आपने ये लेना है तो यहाँ पर आ सकते हो और इसका सर रेट बताना छोटे वाले का रेट बताना ये 120 का ओवरऑल ये आपको सेट मिलेगा जिसमें कटोरी और ये कछुआ है क्रिस्टल कछुआ कहते हैं इसको ना तो फ्रेंड्स ओवरऑल आप चेक कर सकते हो ये सारी शॉप है क्लॉक्स आपको सारा मिल जाएंगे तो चलो वीडियो का एंड करते हो अगर आपने कुछ मतलब कि ब्रह्म सौरभ गीता जयंती का मेला नहीं रखा वैसे अगर मैंने कुछ परचेज करना है जैसे मैंने शॉप में टर्टल रखा हुआ है यहीं से लेके गया था तो अगर मेला नहीं है तो आप आते हो तो कुछ परचेज करना यहाँ से कर सकते हो शॉप नंबर आपको या शॉप नंबर तो मुझे पता नहीं है गेट नंबर 8 के एकदम सामने आपको पता चल जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है बाय फ्रेंड्स थैंक यू फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ये चैनल है स्विमिंग बाय मनी टिकटॉक पे जरूर फॉलो करना प्लीज उस पे बड़ी जरूरत है ये है टेक्निकल लवली मनी तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी थैंक यू